रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश, जल थल एक नशीबी इलाके जेरे आब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप, जुड़वा शहरों में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावल डैम भरने से स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। नाला लई में भी पानी की सतह में इजाफा, महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। मुल्की मईशत को सहारा मिल गया, आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी कर दी। पाकिस्तान में मौशी शरह नमू 2.4% तक पहुंच गई। अफराते ज़र में कमी हुई मगर बड़े मसाइल का बदस्तूर सामना है। नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेकाम की बहाली, सरकारी इदारों के असलाहत, अवामी खिदमात की फरामी में बेहतरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज शाम को खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान से मुलाकात, बरतानवी हम मनसब से भी मिले। रहनुमाओं का फलस्तीन और लबनान के खिलाफ इजरायली जारियत के खात्मे पर जोर। यमन से इसराइल पर मिसाइलों से हमला, कई मिसाइल तलबी पर बरसाए गए। इसराइल के दारुल हुकूमत में खौफ की फजा कायम, सायरन बज गए, लोग घरों से बाहर निकल आए। लबनान पर इसराइल की बमबारी जारी, मजीद 28 शहरी शहीद। इसराइल का हिजबुल्ला के 80 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। 9 मई मुकदमात का फैसला होने तक बानी पीटीआई से मुजाकरात नहीं हो सकते, अत्तार ने वाज़ेह कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि बानी पीटीआई अब भी इदारों को सियासत में मुलव्वस करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है, आईएमएफ प्रोग्राम अवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका है, मुल्की मईशत को इस्तेकाम की तरफ लेकर जाएंगे। JUI और PTI का मुश्तरका तौर पर आईनी तरामीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला, सलमान अकरम राजू और कामरान मुर्तजा मुसवदा तैयार करेंगे। PTI वफ की मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम के मामले पर तफसीली गुफ्तगु, दोनों जमातों के वकला आज दोबारा इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राणा समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा, नैब के आखिरी गवाह पर जरा होगी। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेज पर रद्दो बदल का केस, सारी बर्नी का पेशरफ्त न होने पर सिंध हाईकोर्ट से रुजू, अदालत ने FIA और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। पैरकेन से 3 हफ्तों में जवाब तलब। और पंजाब के 7 शहरों में दफा 144 नाफिस, दफा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान के दौरान लगाई गई। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, DG खान के इम्तहानी मराकज पर नाफिस होगी।